हम जो कर रहे हैं हमारी एनर्जी लगी, एनर्जी मेन जो हमारा चैनल जो हमारा सक्सेस होता है ना वो हमारी एनर्जी की वजह से होता है। हम जो एनर्जी अपनी जी जान लगा देते हैं अपनी वीडियो क्रिएट करने में वो हम गलत चीज़ पे लगा देते हैं, सफर सब करने में, ट्रिक लगाने में, फेक आईडी, फेक जीमेल आईडी बनाने में, वो एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं और हार जब हम हार जाते हैं हम थक तो ये काम करके हम थक जाते हैं और फिर हम यूट्यूब छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा कि बोलना क्या मैं चाहती हूँ। और सबसे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आगे किसी के भी साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि आजकल जो यूट्यूब पे क्या चल रहा है, हम लोग क्या सर्च करें, हम जो न्यू क्रिएटर्स हैं क्या सर्च कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाने के ट्रिक्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का एक मिनट जो बाकी के ये नीचे गिर गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो छोटा बच्चा है साथ में वो खेल रहा है, इसको कहीं छोड़ भी नहीं सकती हूँ तो, ठीक है, क्योंकि सभी अभी इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं और मैं इसीलिए आ गई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे अपने हस्बैंड की शॉप पे, ठीक है। तो ये अब ये बार बार गिराएगा और बार बार मेरे को खाना पड़ेगा, तो हम बार बार ये सर्च कर रहे हैं और जो दूसरे क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज़ की नीड है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं, हर एक क्रिएटर, हर एक टेक्निकल चैनल एक ही टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और हम वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो देखी जा रहे हैं, उनकी देखी जा रहे हैं, हम उनकी वीडियो में इतना घुस जाते हैं, उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं और अपने चैनल से ध्यान हटा लेते हैं, उनके जो वो फालतू के जो ट्रिक्स बताते हैं उनके पीछे लग जाते हैं। इससे नुकसान किसका है, उनका नहीं, हमारा। नुकसान सीधे सीधे होता है हमारा, उनका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। हम उनको व्यूज़ देते हैं, उनसे उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, उनका डॉलर बढ़ता है, ठीक है। ये चक्कर है कि नुकसान हमारा ही हो रहा है, तो हमें इस चीज़ को समझना है, ठीक है, कैसे हो रहा है नुकसान। ये देखिए, पहली बात तो एक दिमाग में बिठा लीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने वाली कोई ट्रिक नहीं है। अगर वो जो भी ट्रिक बताते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि मैं वो सभी ट्रिक्स हैं अपना करके देख चुकी हूँ, सब तरह के ट्रिक मैं अपना के देख चुकी हूँ। शॉर्ट वीडियो अपलोड करना, फेक आईडीज बनाना, जीमेल आईडी बनाना, फेक चैनल बनाना, ये सब कुछ मैं करके देख चुकी हूँ। इससे क्या होता है, पहले आपको करके ना बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको लगेगा वाओ मैंने 5 मिनट में एक आईडी बनाई, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, 5 मिनट में एक सब्सक्राइबर, 10 मिनट में 2, 15 में 3, ऐसे तो मैं सारा दिन लगे रहूँगा तो मेरे को बड़े सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जनाब, अगले ही दिन वो जो सब्सक्राइबर है एक दिन भी नहीं टिकेंगे आपके जो सब्सक्राइबर है वो, अगले ही दिन वो आपके सब्सक्राइबर, जितनी तेज़ी से आपने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं उतनी दुगनी तेज़ी से वो सब्सक्राइबर आपके घट जाएंगे। अब घटने का क्या रीज़न है, आपने सब फॉर सब भी किया होगा, वही क्रिएटर्स आपको ये भी कहते हैं कि सब फॉर सब करो, अब करोगे तो बाद में तो कईयों की लड़ाइयाँ लग जाती हैं, किस चक्कर में, वो कहता है कि अच्छा तुमने तो मेरे को आपसे अनसब्सक्राइब कर दिया, मैं भी कर दूंगा, ले अब तेरे को भी कर दिया। एक्चुअली मैं, आप बताओ आप कितनों को अनसब्सक्राइब करते हो, अगर आपने सफर सब किया है तो क्या दोबारा से आप उनको जाके अनसब्सक्राइब करते हो, नहीं ना करते। ये एल्गोरिथम है, ये सिस्टम है यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब को हैंडल करने वाले बहुत ही ज़्यादा जीनियस लोग बैठे हुए हैं, उनको पता चलता है कि कौन सब्सक्राइबर रियल है कौन सा फेक है, तो वो क्या करते हैं, जो उन्हें फेक लगता है कि ये फेक सब्सक्राइबर है वो खुद डिक्रीज़ कर देता है, जो रियल है वो रियल ही रहता है, वो टिका रहता है। इन सब ट्रिक्स से कुछ नहीं होता, कुछ भी ना होगा, सिर्फ नुकसान होगा हमारा, हम जो कर रहे हैं हमारी एनर्जी लगी, एनर्जी मेन जो हमारा चैनल जो हमारा सक्सेस होता है ना वो हमारी एनर्जी की वजह से होता है। हम जो एनर्जी अपनी जी जान लगा देते हैं अपनी वीडियो क्रिएट करने में वो हम गलत चीज़ पे लगा देते हैं, सफर सब करने में, ट्रिक लगाने में, फेक आईडी, फेक जीमेल आईडी बनाने में, वो एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं और हार जब हम हार जाते हैं हम थक तो ये काम करके हम थक जाते हैं और फिर हम यूट्यूब छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, क्यों ये मतलब आजकल ये चीज़ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि
जो सब्सक्रिप्शन हाइड वाला जो ऑप्शन था वो अभी डिलीट हो गया है, तो सबके सब्सक्राइबर हैं जो मतलब शो हो रहे हैं कि कितने किसका, एक सब्सक्राइबर 50 है, 45 है। तो कईयों को तो अपनी आन बान शान की ज़्यादा परवाह है कि कोई ये ना बोले, कोई रिलेटिव ये ना बोले कि इसके तो कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है। मैंने जब सब कि मेरे को कोई परवाह नहीं है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं या 200 हैं, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, मैं अपने आप को न्यू समझती हूँ, जबकि मैंने मेरे को 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं न्यू समझती हूँ क्योंकि मैंने अभी इतना काम नहीं किया, अभी सीख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे इस चक्कर से कोई नहीं है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, ना मेरे को परवाह है। मेरे को इतना इतनी खुशी है कि मेरी वीडियोस को कोई ना कोई बंदा देखता है, मेरी वीडियो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मेरे को इतना मेरे दिल को सुकून है, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आई हूँ, अपनी एक पहचान बनाने के लिए आई हूँ। मेरे को ये मैटर नहीं करता। हाँ, मैं ये चाहती थी कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हो सकता है ट्रिक कोई काम करे तो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो जो ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स मैंने अप्लाई करके देखी, लेकिन उन सभी से मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ, इतना वेस्ट हुआ कि पूछो ही मत वेस्ट हुआ। एक मैंने वीडियो देखी, उससे सच में फ़ायदा हो रहा, सच में जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे वो एक ही आईडी से एक चैनल बनाओ, उसके अंदर अंदर चैनल बनाते जाओ और उसे अपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ, ठीक है। मैंने एक दिन पूरा काम करके ना इस पर मैं खाना पीना भूल गई, बच्चों को देखना भूल गई, मैंने पूरा काम करके शाम तक मैंने सुबह से शाम तक मैंने 100 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए अपने। मेरे को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि मैंने इतने सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। वाओ, 10 दिन काम करोगे मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। अगर वो हफ्ते में डाउन हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, 1K को देख कर और भी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो एक हफ्ते रहते तो ना अगले ही दिन वो ड्रॉप हो गए, क्योंकि YouTube को पता है कि ये फेक सब्सक्राइबर है, ठीक है। उसी दिन मेरे 3 सब्सक्राइबर और बढ़े जो कि फेक नहीं थे, रियल थे, वो मेरी वीडियो को देख करके आए थे मेरे पास। वो 3 सब्सक्राइबर अभी भी मेरे चैनल पे हैं, लेकिन 100 सब्सक्राइबर जो मैंने ट्रिक से मैंने गेन किए वो उसी दिन ही रात को ड्रॉप हो गए, सुबह 0। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? और जो मेरी सारा दिन एनर्जी लगी, जो मेरा काम पीछे पड़ा, घर का काम, जो क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो कितने काम होते हैं आपको पता ही है, एनर्जी मेरी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी आँखें दिमाग ये चीज़ करके, कि अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते तक मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाई। और मेरे चैनल की जो एवरेज व्यूज़ थी लास्ट 48 आवर में 1600 थे, 1700 थे लास्ट 48 आवर में, जो कि डाउन होते होते वीडियो ना डालने की वजह से डाउन होते 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 200 पे पहुंच गए, एवरेज आ गई 200। बेबी मेरा हंस रहा है मेरे को देख के कि ये अकेली बातें कर रही है, 200 आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ? नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, एनर्जी का तो जो नुकसान हुआ ही, चैनल का भी नुकसान हुआ। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी वीडियोस देखना बंद कीजिए। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी वीडियोस को बढ़ावा ना दें, ऐसे क्रिएटर्स को जो ऐसा गंद फैला रहे हैं ना, हम लोगों को गुमराह करें। अगर उनसे भी अपील है कि यार अगर आप हमें गाइड नहीं कर सकते, सही गाइड नहीं कर सकते कि कैसे हम अपने चैनल को ग्रो करें, हाँ अगर आप हमें गाइड नहीं कर सकते, कम से कम हमें मिस गाइड तो मत करें। कोई किसकी क्या मजबूरी है, कोई YouTube पे आया है तो आप उसको मिसगाइड करके उसकी उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के बजाय उसको पथ उसको मतलब अपने राह से गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रिएटर्स का जो है थोड़ा सा इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक हिसाब से जाना जाए तो ये हमें बर्बाद ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मिसगाइड कर रहे हैं। तो आप सभी जो न्यू क्रिएटर्स हैं, छोटा नहीं बोलूँगी क्योंकि छोटा यहाँ पे कोई नहीं होता, क्रिएटर्स ही होते हैं सब कुछ, लेकिन जो न्यू होता है उसको हम छोटे बोलते हैं। जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ ऐसे वीडियोस मत देखा कीजिए। मैं इस चीज़ के बाद जो भी हुआ मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी सभी वीडियो स्किप कर देती हूँ, अनसब्सक्राइब कर दीजिए उन लोगों को जो ऐसी फेक वीडियो बनाते हैं, फेक ट्रिक बताते हैं। असली ट्रिक क्यों नहीं बताते कि जो है जो चैनल को ग्रो करने की असली ट्रिक है वो क्यों नहीं बताते? क्यों? अगर वो बता देंगे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और आप उनकी वीडियो देखना बंद कर दोगे, ये उनका धंधा बन चुका है। ऐसा गंद फैलाने से आप ही रोक सकते हैं, ठीक है। YouTube पे ऐसा गंद फैल चुका है जिससे आप ही रोक सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ मत देखा कीजिए, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएंगे। जितनी एनर्जी, जितनी शिद्दत से, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी शिद्दत से जितनी मेहनत से हम ट्रिक अप्लाई करते हैं ना, फेक चीज़ें बनाने में अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत हम अपना कंटेंट बनाने में लगाएं ना, तो हमारा महीने एक के अंदर ही हमारा चैनल जो है ग्रो कर सकता है। और मैं भी ये सब कुछ करती थी, अगर ना करती होती ना तो आज मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते और मेरा जो चैनल भी अच्छा खासा ग्रो होता। बाकी मेरे को कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं सीखती हूँ, सीख कर कुछ ना कुछ मेरे को हासिल होता है, और सीख कर इतना पता चला है कि
जितने भी क्रिएटर्स हैं ना जो हमें सिखाते हैं चैनल ऐसे बनाए, चैनल को ऐसे ग्रो करें, ये सेटिंग ऑन करें, वो सेटिंग ऑन करें, उनमें से सिर्फ 20% है जो सच बोलते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, बाकी के सब एक दूसरे को कॉपी करके, एक ही वीडियो आती है दूसरे को देख लेते हैं, दूसरा वही कॉपी करके नई वीडियो बना देता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो बच्चा साथ में डिस्टर्ब कर रहा था, तो हो सकता है कोई बात रह गई हो, लेकिन आपको आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिए, कोई भी ट्रिक और कुछ भी अप्लाई करने से पहले सोच लीजिए कि ये आपके चैनल को डाउन करेगा, आपके चैनल को अप नहीं करेगा। मान लीजिए कि इसी ट्रिक से आपके सब्सक्राइबर पूरे हो भी गए, तो उसको आपको बेनिफिट कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा आपको व्यूज़ उतने नहीं आएंगे। तो आप अभी व्यूज़ देख रहे हैं, कल को आप डॉलर देखेंगे कि डॉलर तो बढ़ नहीं रहा, वो बढ़ेगा कैसे, क्योंकि आपके आपने ट्रिक से मोनेटाइजेशन लिया है। तो मोनेटाइजेशन के पैसे नहीं मिलते, उससे सिर्फ मोनेटाइजेशन ऑन होता है, पैसे सिर्फ व्यूज़ के ही मिलेंगे। व्यूज़ तभी आएगा जब सब्सक्राइबर बेस होगा, ट्रिक से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे लेकिन व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात को समझिए, और इन लोगों का जो है जो धंधा बंद होना चाहिए, जो हमें गुमराह करते हैं, हमें अनाप शनाप सेटिंग्स बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, हम अपना कंटेंट छोड़ के, अपना काम छोड़ के, जो हमें करना है, जो हम करने आए हैं, जो किसी को सिखाने कुछ कुछ बताने हैं, वो छोड़ के हम सेटिंग्स ऑन कर ली, ये कर ली, वो ट्रिक लगा ले, वो ट्रिक लगा ले, हम इसी चीज़ में घुस जाते हैं और इतना थक जाते हैं, बाद में कर करके कुछ नहीं हासिल होता, हम भाग जाते हैं, यूट्यूब छोड़ के चैनल डिलीट कर देते हैं, या उसी तरह मतलब पढ़ा ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, चल जाते हैं। ठीक है, तो गलती किसकी, गलती उन क्रिएटर्स की जो हमें गुमराह करते हैं। तो उन क्रिएटर्स को जो हमें ऐसी वीडियो फेक बना के बताते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके हमें हमारे पास आ जाते हैं, तो शो करते हैं कि हम बड़े सक्सेसफुल हैं, हमें देखकर सक्सेसफुल हो, तो इन सभी को जो है रोक लगानी चाहिए। रोक हम ही लगा सकते हैं जब हम लोग इनकी वीडियोस देखना बंद करेंगे। तो प्लीज़ आज ही से उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो ऐसी फेक वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बनाएं, ट्रिक लगाओ ये करो, ट्रिक लगाओ वो करो, बस। तो यही मेरे को कहना था कि बाकी पता नहीं आपको कितना समझ आया, लेकिन मैंने पूरी अपनी वाह लगा दी समझाने में, साथ में बेटा भी परेशान कर रहा था, जब ऐसे बच्चे पीछे में चिक चिक करते होते हैं ना, तो थोड़ा सा जो हम कहना चाहते हैं तो हो सकता है कोई लाइन रह गई हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन मैंने ज़रूरी समझा इस पे वीडियो बनाना, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, तो मेरे को लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये मतलब किसी को ऐसे हक नहीं है कि कोई किसी को इतना मिसगाइड करे, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब ना भी करो तो कोई बात नहीं, लाइक ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे शेयर ज़रूर करना ताकि ये चीज़ बंद हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने किसी अगली वीडियो में, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर देना। ओके एंड गुड बाय, गुड बाय नहीं, बाय बाय।